असलम दोस्तों आज हम सॉल्व कर रहे हैं एग्जाम्पल थ्री पॉइंट टू एंड इट इज अबाउट द वेट ऑफ गर्ल ऑन द अर्थ एंड मोन इट सेज दैट द मास ऑफ गर्ल इज सिक्सटी किलोग्राम हाउ मच विल शी वेट ऑन द अर्थ एंड ऑन मोन टेक एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर अर्थ एज ए जी ई इज इक्वल टू नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड फॉर मोन एज ए जी एम इज़ एक टू वन पॉइंट सिक्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये एग्ज़ाम्पल कहता है कि एक लड़की है उसकी मास सिक्सटी किलोग्राम है तो ज़मीन के सरफेस पे उसका वेट कितना होगा और चांद पे उसका वेट कितना होगा और दूसरा ये कहता है कि जमीन की सरफेस पे जी यानी ग्रेविटेशनल एक्सलेशन की वैल्यू जो है वो नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और चांद पे जी की वैल्यू जो है वो 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो हमने इस लड़की की मास फाइंड आउट करना है ज़मीन के सरफेस पे और मून पे तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ गिवन डेटा गिवन डेटा में हमें दिया गया है मास यानी लड़की की मास जो है वो 60 किलोग्राम है और जी की वैल्यू ज़मीन के सरफेस पे वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और मून पे जी की वैल्यू जो दी गई है वो है 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो ये हमें डेटा दिया गया है अब मैं लिखता हूं जो हमसे रिक्वायर्ड है जो हमसे रिक्वायर्ड है वो है वेट ऑफ गर्ल ऑन अर्थ यानी डब्ल्यू ई वेट ऑफ गर्ल ऑन अर्थ और दूसरा हमसे मांगा गया है वेट ऑफ गर्ल ऑन मोन तो ये दो वेट्स जो है हमने फाइंड आउट करने हैं तो इसके लिए मैं यूज करता हूँ इक्वेशन इज इक्वल टू एम जी ये इक्वेशन मैं यूज करूंगा और इसी इक्वेशन के थ्रू मैं वेट ऑफ गर्ल ऑन अर्थ फाइंड आउट करूँगा और वेट ऑफ गर्ल ऑन मून फाइंड आउट करूँगा तो सबसे पहले मैं फाइंड आउट करता हूँ वेट ऑफ गर्ल ऑन अर्थ तो उसके लिए मैं इस इक्वेशन को लिखता हूँ कि W E इज़ इक्वल टू एम एंड G E यानी ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन ऑन अर्थ तो यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट करता हूँ तो मास ऑफ द गर्ल जो है वो 60 किलोग्राम है तो दिस विल बी इक्वल टू सिक्सटी और वैल्यू ऑफ जी जो है वो नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो इन दोनों को जब मैं आपस में मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी दिस विल बी इक्वल टू फाइव डबल एट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पे किलोग्राम जो है वो सिक्सटी है सिक्सटी की और मीटर पर सेकेंड ये है तो ये किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है ये न्यूटन के बराबर है तो मैं लिखता हूं कि वेट ऑफ गर्ल ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ जो है दिस इज़ इक्वल टू तो ये उसका वजन हो गया जमीन के सरफेस पे अब मैं फाइंड आउट करता हूँ वेट ऑफ गर्ल ऑन दी सरफेस ऑफ मोन तो उसके लिए मैं ये इक्वेशन लिखता हूँ कि डब्ल्यू एम यानी मास ऑफ गर्ल ऑन सरफ़ेस ऑफ मून इज़ इक्वल टू एम जी एम यानी ग्रीविटेशनल एक्सलरेशन ऑन दी सरफेस ऑफ मून। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट करता हूँ मास ऑफ गर्ल जो है वो 60 के है और मून पे ग्रीविटेशनल एक्सेरेशन जो है उसकी वैल्यू 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो इसको जब मैं आपस में मल्टीप्लाई करूँगा तो वी विल गेट 96 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है ये न्यूटन के बराबर हैं तो लिहाजा मैं लिखता हूँ कि वेट ऑफ गर्ल ऑन दी सरफेस ऑफ मून इज इक्वल टू तो 96 न्यूटन तो देखो यहाँ पे जी की वैल्यू जब कम है तो वेट जो है वो भी कम है यहाँ पे जमीन की सरफेस पे वैल्यू ऑफ़ जी जो है इट इज़ ग्रेटर देन दिस वन तो यहाँ पे वेट ज़्यादा आ रहा है और यहाँ पे वेट कम आ रहा है जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि वेट जो है ये डिपेंड कर रहा है वैल्यू ऑफ़ जी पे या मैंने आपको कहा था कि इट डिपेंड्स ऑन द लोकेशन क्योंकि जी जो है इट डिपेंड्स ऑन द लोकेशन तो जब वी जी की वैल्यू ज़्यादा है तो वेट भी ज़्यादा है और जब जी की वैल्यू कम है तो वेट भी कम है तो दिस इज समी एग्जाम्पल थ्री थैंक यू